Welcome back to my channel. I am Mohini and so today is a very very special video. सबसे पहली बात तो the setup is changed. I am in my kitchen for a very change. मतलब मैं videos में it's a change, but otherwise मैं kitchen में मैं dinner रोज खुद बनाती हूँ. I'll come to that sometime later. But in this video, as you must have read by the title, I am going to share with you my 11 weird habits and I'm going to tell you how I make my iced cold coffee. मेरे को लगा कि अगर मैं 11 weird habits पहली बता रही हूँ, मैं weird हूँ, ऊपर से मैं ऐसी बैठ के बता रही हूँ तो आप लोगों को लगेगा लड़की सच्ची में पागल है. तो आई थॉट कि मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, जैसे कि मैं बनाऊंगी अपनी आइस्ड कोल्ड कॉफी, आइस लाटे, आइस जो मर्जी कह लो इसको. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Is I do not remove tag of the new outfit जब तक मैं बाहर नहीं पहनती. मतलब कि जैसे मैंने ये ड्रेस ली है supposedly, मैं इसमें 15 बार शूट कर लूंगी, बट जिस दिन तक मैं इसको बाहर पहन के कहीं जाऊंगी नहीं ना, मैं इसका टैग नहीं रिमूव करूंगी. पता नहीं क्योंकि बिकॉज लाइक इन माई लाइन इट्स लाइक हम कपड़े लेते हैं, हम शूट करते रहते हैं उनमें, बट आई फील लाइक कि अगर मैं उसे बाहर नहीं पहन के गई तो उसकी एक्चुअल वर्थ नहीं निकली. तब तक मैं उसका टैग नहीं रिमूव करती, मैं टैग लगे लगे कोई शूट कर लूंगी 4 बार, और जिस दिन मैं बाहर पहन के जाऊंगी उस दिन मैं उसका टैग रिमूव कर दूंगी. एंड सेकेंड चीज, मैं आपको सारा सामान निकालने के बाद बताऊंगी. सो फॉर द कॉफी यू नीड सम मिल्क, बट ऑब्वियस यू नीड कॉफी. मैं नेस्कैफे की बेसिक कॉफी यूज करने वाली हूँ. ऑल्सो ये वीडियो मैं खुद शूट कर रही हूँ तो इसमें कोई सिनेमैटिक शॉट्स नहीं आने वाली, ट्राइपॉड पे कैमरा है और मैं खुद शूट कर रही हूँ. नेस्कैफे की कॉफी, शुगर एंड वेनिला एसेंस. सो नाउ लेट मी टेल यू द सेकंड वियर्ड हैबिट अबाउट मी. द सेकंड वियर्ड हैबिट इज कि आई लव टू कलेक्ट हील्स. मुझे हील्स बहुत सुंदर लगती हैं. आई एम ऑलरेडी 5'6" एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन फ्लैट्स, सो आई डोंट वेयर अ लॉट ऑफ हील्स, बट आई लव टू बाय हील्स. सो That's something weird about me, I feel, क्योंकि मैं ले लेती हूँ और मैं पहनती नहीं हूँ. सो या सो सबसे पहले मैं इसको मेजर करूंगी कि मुझे कितना दूध चाहिए फॉर माई कॉफी. सो 75% ऑफ द ग्लास होना चाहिए क्योंकि बाकी का आइस आएगी. 75% दूध, थोड़ी सी कॉफी लाइक 1 चम्मच, 1 टीस्पून कह लो, पूरा भर के मत डालना बहुत गर्दी हो जाएगी. 1.5 चम्मच चीनी, चम्मच मैं आपको दिखा देती हूँ चम्मच का साइज, इस साइज का मैं 1.5 चम्मच डालती हूँ, और थोड़ा सा वेनिला सेंस. वेनिला सेंस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है कॉफी में. That's it. Now let me tell you my third weird habit. मेरी थर्ड वियर्ड ये हैबिट ये है कि मैं कभी भी कैश नहीं रखती. आई नो ये वियर्ड कम बैड हैबिट थोड़ी ज्यादा है, बट मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता है. मैं कार्ड्स रखती हूँ, मैं ऑनलाइन पेमेंट्स में बिलीव करती हूँ, बट मैं कैश नहीं रखती. आई डोंट नो वाई, बट आई जस्ट फील लाइक, तो पता नहीं, मैं कैश नहीं रखती. बहुत बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मेरे को पार्किंग में जाना होता है और 10-20 रुपए के छुट्टे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे. मतलब मेरे पास होगा कैश 2000 का, 500 का नोट होगा, छुट्टे वैसे बिल्कुल नहीं होते. सो बट मोस्टली मेरे साथ कोई ना कोई होता तो उनके पास कैश होता, तो मेरा काम चल जाता है. But I think I should start keeping it, और शायद ही वीडियो डालने के बाद मैं रखने शुरू कर दूँ. But I'm a very cashless person. अब मैं सारा कुछ समेट भी देती हूँ साथ साथ, और समेटते समेटते किचन से एक चीज मुझे याद आई. मेरी जो सबसे फोर्थ वियर्ड हैबिट है वो ये है कि मैं प्याज नहीं खाती. I don't know कि लोगों को वियर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट मैं प्याज बिल्कुल नहीं खा सकती. I hate eating प्याज. मैं किसी भी चीज़ में प्याज नहीं खाती. मम्मा जिस चीज़ को भी तड़का लगाते हैं मेरे लिए अलग से लगाते हैं, या फिर प्याज को भून के उसकी प्यूरी बना के फिर तड़का लगाते हैं. जिसमें कचकच वाला प्याज हो वो तो मैं खा ही नहीं सकती. सो दैट्स द फोर्थ वियर्ड हैबिट अबाउट मी. और अब मैं इस सारे को ब्लेंडर से मिक्स करूंगी. सो आई हैव चेंज्ड द एंगल बिकॉज यहाँ पे ब्लेंडर है. सो द फिफ्थ वियर्ड हैबिट अबाउट मी इज आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. I believe in keeping my circle small. मेरे बहुत गिने चुने फ्रेंड्स हैं, और मतलब ना जो लोग हैं उनको आई लव फ्रॉम माई हार्ट, एंड नहीं तो नहीं. मतलब देयर इज नो इन बिटवीन, ईदर देयर आर माय फ्रेंड्स और देयर नॉट. सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. अब मैं इस सारे को ब्लेंड करूंगी. इसी पर आजकल जो सिक्स वियर्ड हैबिट मुझे याद आ रही है वो ये है कि आई एम अ क्राई. आई क्राई ऑन लाइक वेरी लिटल थिंग्स. मेरे को बहुत हैप्पी टीयर्स भी आते हैं. मतलब मैं तो यार कहीं भी रो पड़ती हूँ. वृंदा भाभी की विदाई पे आई गेस वो और मैं बराबर हुए थे,
और मतलब उनकी कजन इतना नहीं रोई थी जितना मैं रोई थी. आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं किसी भी बात पे रो पड़ती हूँ. और जैसे मेरा सर्कल छोटा है तो मतलब जो थोड़े से मेरे दोस्त हैं अगर उनमें से किसी की बात का मुझे थोड़ा भी बुरा लगा ना, बस मैं तो रोना शुरू हो जाऊंगी. मेरे मम्मी पापा मुझे यूजुअली नहीं डांटते, क्यों ही डांटेंगे, बट अगर वो किसी बात पे थोड़ा सा भी मुझे कुछ कह देना, बस मैं तो नदियां बहा देती हूँ रो के. अदरवाइज मैं बहुत हैप्पी और जॉली भी हूँ, बट आई एम अ वेरी वेरी क्राई बेबी. सो मैंने इस बाउल में थोड़ी सी आइस निकाल ली है, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो. तो मेरी कॉफी तैयार हो गई है और मैं इसमें आइस डालूंगी. उससे पहले मैं आपको अपने बारे में सेवंथ पीरियड हैबिट बताती हूँ. वो ये है कि आई लव टू होल्ड थिंग्स. मतलब मैं अपनी चीजें जल्दी से गिव अप नहीं कर सकती, मैं किसी को दे नहीं सकती. मतलब मेरे पास मानोगे आज भी वैसे टॉप्स हैं, लाइक जो मैंने आई गेस एक टॉप है बस दाखिले का, टेंथ में मैंने लिया था और मैं आज तक किसी को नहीं दे पाई, बिकॉज आई एम लाइक सो कनेक्टेड टू इट. मतलब मैं चीजों से बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ एंड आई लाइक लव होल्डिंग थिंग्स. मतलब मेरे पास अभी भी प्लस वन प्लस टू के टाइम पे हेयर क्लिप्स जो होते थे वो हैं, और वो दोबारा ट्रेंड में आ गए, तो इट्स सुपर गुड फॉर मी कि मैं दोबारा से वो रखती हूँ. एंड ओवरऑल भी कपड़े, जूते तो नहीं, जूते वेयर ऑफ हो जाते हैं, बैग भी आई गेस खराब हो जाते हैं, बट हेयर पिंस, कपड़े तो यार रिपीट ही नहीं हो पाते ना. तो मतलब मैं शुरू से ही थोड़ी ज्यादा फैशनेबल हूँ, तो मतलब मैं कपड़े रिपीट कम करती हूँ. तो मतलब मेरा जो साल में अगर दो ही बार कोई कपड़ा डलेगा तो मैं उसको बचा के तो रखूंगी ना. तो मेरे पास 6 years 7 years पुराने टॉप्स भी हैं, बहुत पुरानी पुरानी ड्रेसेस हैं, मैं बस दे नहीं सकती. दिस इज माय सेवंथ बियर्ड हैबिट. तो अब हम आइस इसमें डाल देंगे. 1 2 3 4 फोर आइस क्यूब डालिए. और मैं आपको बताऊंगी मेरी एट बियर्ड हैबिट. जो मेरी एट बियर्ड हैबिट है वो ये है कि आई लव टू प्लान थिंग्स. मतलब कुछ भी करना है मैं उसे प्लान करूंगी. अब मैंने अपनी हैबिट्स लिखी थी, मैं एक हफ्ते से वीडियो प्लान कर रही हूँ. फिर मतलब मैं जिस लाइन में हूँ प्लानिंग बहुत काम आती है, कि जैसे पहले मैंने सोचा बैठ के बनाऊंगी, फिर मुझे याद आया कि मैं ऐसे मतलब कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ. तो मतलब प्लानिंग डज वेरी हेल्प मी, बट समटाइम्स आई टेंड टू ओवर प्लान. कि मतलब अगर मुझे अपनी फ्रेंड को मिलना है तो मैं उससे डिसाइड करूंगी कि अच्छा मैं 12 बजे आऊंगी, 6 बजे जाऊंगी, तो 12 से एक हम कॉफी पी लेंगे, 1 से 3 हम बातें कर लेंगे, 3 बजे हम लंच कर लेंगे, 5 बजे हम कुछ स्नैक्स बना लेंगे. मतलब मैं ऐसी हूँ कि मतलब आई टेंड टू ओवर प्लान. कई बार वो बैकफायर हो जाता है, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो इट हर्ट्स मी, बट दैट इज हाउ आई एम. आई लव टू प्लान थिंग्स. मैं रोज अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, सब कुछ प्लान करती हूँ. सो या आई मेक अ टू डू लिस्ट एवरी डे. सो दैट इज माई 8th बियर्ड हैबिट. नाउ लेट्स टेस्ट द कॉफी. परफेक्ट, जैसी मैं रोज पीती हूँ बिल्कुल वैसी बनी है, परफेक्ट फॉर मी. सो लेट मी टेल यू माई 9th बियर्ड हैबिट. मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, कसौली शिमला बहुत पास है हमारे, राइट, और बीचेस बहुत दूर है. तो आई हैव ट्रैवल 10 times मोर ऑन हिल्स रादर दैन बीचेस. अगर मैं अपनी जिंदगी में 50 to 60 times पहाड़ों में गई हूँ सच में गई हूँ, और बीचेस पे मैं 3, 4, 5 बार गई होंगी, दैट्स द मैक्सिमम. बट स्टिल आई लव बीचेस अ लॉट मोर देन हिल्स. मतलब मैं जा नहीं पाती बीचेस, क्योंकि थोड़ा दूर हो जाता है, अकेले आप जा नहीं सकते, तो मतलब थोड़ा फीजिबल नहीं है, बट आई लव बीचेस मोर. बट मैं पहाड़ों में घूमती ज़्यादा हूँ. सो या तो मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, किचन में काफ़ी गर्मी हो रही थी. तो माई 10th बियर्ड हैबिट इज कि मैं बहुत सोती हूँ. आई जस्ट लव टू स्लीप. कॉफी बहुत अच्छी बनी है यार. सो आई लव टू स्लीप. मैं डेली बेसिस पे 8 घंटे सोती हूँ, और हफ्ते में एक दिन तो मैं 12 घंटे ज़रूर सोती हूँ. आई जस्ट लाइक लव टू स्लीप. मतलब पहले जब मैं कॉलेज जाती थी तो वो सैटरडे होता था जिस दिन मैं आराम से 11-12 बजे उठती थी, 12 बजे सो के, बट अभी वो किसी भी दिन हो जाता है, बट आई मेक श्योर कि एक ही दिन हो, क्योंकि अदरवाइज मैं काम नहीं कर पाती और कुछ आउटपुट नहीं निकलती मेरे घर रहने की. बट आई मेक श्योर कि मैं एक दिन ज़रूर 12 घंटे सोती हूँ, एंड आई लव टू स्लीप. आई एम नॉट श्योर कि वियर्ड है कि नहीं, बट मैं बहुत सोती हूँ. आई लव टू स्लीप. यार कॉफ़ी सच में अच्छी नहीं है. Now, the last weird habit about me is I can't talk on phone. ये मैंने Instagram पे बहुत memes देखे हैं, उसके बाद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा weird नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं. तो मुझे जब फ़ोन आता है किसी का तो बहुत कम होता है कि मैं उठा के उसी टाइम बात करती हूँ. आई नीड माई ओन स्वीट टाइम, कि मतलब मैं कभी भी किसी से बात नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर द वर्क कॉल्स, क्योंकि वर्क कॉल तो पता ही होता है 5 मिनट की 7 मिनट की होगी बात, और काम की बात होती है, तो दैट्स नॉट समथिंग विच आई इग्नोर. बट यूजली मैं कॉल्स इग्नोर करती हूँ थोड़े, और मैं सबको कॉल बैक करना प्रेफर करती हूँ अपने हिसाब से.
बट आई एम मोर ऑफ अ मीट मी काइंड ऑफ पर्सन. अगर कोई मुझे मिलके मेरे से बातें कर रहा है, मतलब पुराने फ्रेंड्स, घंटा, दो घंटा, चार घंटे, पूरे दिन के लिए मिल लो तो मैं बहुत बातें करूंगी, बट रोज मैं फोन पे नहीं बात कर सकती एंड आई एम वेरी गिल्टी ऑफ दैट. बट आई मेक श्योर अ पॉइंट, आई कॉल गार्गी एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप. तो वो तो मेरा नाइट टाइम रूटीन ही है ना, मतलब उसको मैंने फोन करना ही करना है. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और ये मैंने थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट ट्राई किया था, जैसे इस वीडियो में दो चीजें थी और ये मैं खुद शूट कर रही हूँ, इट्स आत्मनिर्भर वीडियो. सो आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट वुड मीन द एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी. एंड थैंक यू गाइज, एंड चीयर्स. कॉफी सच में स्वाद बनी है, एक बार जरूर ट्राई करना.